आप जो हमारे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो वो शिल्पा सेट्टी का घर है, और मैं बता दूं जो हमारे आप पीछे देख रहे हैं ये जूहू बीच है। वेलकम टू माय चैनल मस्त लाइफ, अमित कुमार गोवा। और आज मैं आपको बता दूं, मैं आज आपको लेके चलने वाला हूं जूहू बीच। और अगर आपको मुंबई आने का कोई इरादा है तो आप जूहू बीच जरूर जाना, क्योंकि जूहू बीच के पास जो फीलिंग, जो सनसेट का मजा, और जो वहां पर बॉलीवुड के जितने भी हस्तियां हैं, चाहे अमिताभ बच्चन से ऐश्वर्या राय से वरुण धवन, जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, सारे के बंगले वहीं पर है। तो आज मैं आपको लेके चलने वाला हूं और दिखाने वाला हूं अमिताभ बच्चन वरुण धवन किस घर में रहते हैं यार। तो आज हमारे चैनल के साथ में आप बने रहो। और मैं बता दूं, लास्ट वीडियो मैंने बनाया था गोवा टू मुंबई, उस रूम, वो रूम का जो व्यू था पूल व्यू था, और उसके बाद मैंने इस रूम को चेंज कर दिया है। तो इस बार जो मैंने रूम लिया है उसका व्यू है सिटी व्यू, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। और देखो बताओ यार कैसा दिखता है जिस रूम में रह रहा हूँ और व्यू कैसा आपको लगा। तो चलो देखते हैं सिटी व्यू। चलो मेरे साथ आप जूहू बीच, तो बाद में एक वीडियो बनाता हूं और आपको इस रूम के सारे फैसिलिटी के बारे में बताऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा ताकि मैं आपको रेस्टोरेंट में भी लेके चलूं। मैं सोच रहा था कि रेस्टोरेंट की वीडियो बनाऊं, मगर मैं मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पर, रेस्टोरेंट का वीडियो बनाओ। मगर मैं कोशिश करता हूँ एक स्मॉल या दो स्मॉल क्लिप में आपको 5 स्टार का रेस्टोरेंट में डालता हूँ, ताकि आप उसको देख के अनुभव फील कर सकते हो 5 स्टार होटल का रेस्टोरेंट दिखता कैसा है। तो यही मेरा रूम है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं 3 लोग, हमारे जो 2 फ्रेंड थे वो भी हमारे साथ शिफ्ट हो चुके हैं। तो अभी हम बहुत मजा करने वाले हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल साथ में बने रहना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आप देख लो साइड में यहाँ पर सब्सक्राइब करके लिखा होगा, उसको आप क्लिक कर दो। बगल में जो बेल बटन है उसको भी दबा दो, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और उस वीडियो के माध्यम से देखकर एक नया चीज के बारे में आपको जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं जूहू बीच, और बताता हूँ जूहू बीच कैसे जा रहा हूँ, क्या डिस्टेंस है, सब चीज मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको। तो चलो मिलते हैं जूहू बीच पर वाई गोइंग। और हमारे साथ मेरे भाई साहब जा रहे हैं रवि, पूरा बन ठन के रेडी है वो। और चलो मिलते हैं इनके साथ, देख रहे हो पूरा कुर्ता पजामा मार के। चलो मिलते हैं जूहू बीच पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी जूहू बीच पर मैं आ गया हूँ। और मैं आपको बता दूं, अगर आप जूहू बीच पर अगर आप आना चाहते हो तो आप अंधेरी से और सांता क्रूज से आप आ सकते हो। जैसे कि मैं अभी सांता क्रूज से ऑटो लिया था, तो ऑटो का एक्चुअली अगर आप बाई मीटर आते हो तो 75 और 70 रुपीज़ आता है ट्रैफिक के हिसाब से, और ऐसे लोग 100 मांगते हैं, तो हमसे भी उन्होंने 100 ही मांगा, तो हमने 100 उनको दिया। तो अगर आप इस जूहू बीच पर अगर आप आना चाहते हो तो मेक श्योर, अगर आप लोकल से आ रहे हो तो या तो अंधेरी और सांता क्रूज दोनों से कहीं एक जगह उतरना, दोनों का डिस्टेंस लगभग एक ही है, भाड़ा 100 के अंदर में आप इस बीच पर आ जाओगे। तो मैंने गोवा के सारे बीच पर ले गया ऑलमोस्ट, कुछ बचा है जहाँ पर लेकर चलने वाला हूँ। तो आप गोवा का बीच तो देख लिया, चलो आज आपको दिखाता हूँ जूहू बीच दिखता कैसा है। तो चलो मैं एक छोटा सा एक क्लिप लेता हूँ ताकि आप इस बीच को अच्छी तरह से देख लो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, कुछ इस तरह का वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता हूँ, और आप देखो जूहू बीच दिखता कैसा है। अभी मैं जूहू बीच पर हूँ, और रियली में मैं मिल पाया अपने यहाँ के लोग से। ये लोग सारे बिहार से, मैं भी बिहार से हूँ, तो सारे रोहतास जिला से हम लोग हैं। कहाँ से? रोहतास जिला सासाराम, सारा रोहतास जिला से हम लोग हैं। तो इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब पे डालूंगा, तो आपको जरूर देखना। और जैसे आप हमारे पीछे जो हाउस देख रहे हो कुंद्रा हाउस, जहाँ पर शिल्पा सेट्टी रहती है, तो आप भी देख लो, आपको बीच साइड से भी दिखा रहा हूँ किस तरफ दिखता है ये बंगला। अगर आप जूहू बीच पर आते हो, जैसे ही बगल में आप जाओगे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे बिल्डिंग, और मैं बता दूँ सारे स्टार इधर ही रहते हैं, आपको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ
इतना महंगा सारे बंगले हैं जिसका लिमिट नहीं है, गोविंदा से लेके ओबराय से लेके सारे इसी जुहू बीच के पास में जो अपार्टमेंट है यही सारे रहते हैं। तो कभी अगर आप आते हो मुंबई में इस जगह वेरी मतलब पीसफुल, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं मुंबई में हूँ, क्योंकि बहुत शांति है यहाँ पर, बहुत शांति। जितनी मार्केट से अगर आप हट कर आते हो, मार्केट में बहुत सारे हॉर्न गाड़ी, मगर जैसे ही आप पास में आते हो तो आपको कुछ इस तरह का देखने को नहीं मिलता जैसे आप देख सकते हो। और हमारे पीछे जो आप देख रहे हो बिल्डिंग, ये अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन इसी बिल्डिंग में रहते हैं। मैं कोशिश किया कि जाकर मैं फ्रंट से आपको दिखाऊं, मगर जहां वहां का जो गार्ड थे उन्होंने बताया कि नहीं आप अंदर से नहीं जा सकते सिक्योरिटी रीजन, तो यहीं पर रहते हैं। और मैं बता दूं यहां पर जितने भी जूहू के आसपास जितने भी बिल्डिंग है वो बहुत एक्सपेंसिव है। आज के समय मुझे नहीं लगता है कि एक्टर और बड़े लीडर के सिवा कोई और खरीद सकता है, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है हमारे पीछे, आप देख लो, और भी दिखाता हूँ। और आप जो हमारे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो वो शिल्पा सेट्टी का घर है, पीछे देख रहे हैं ये जूहू बीच है। ये जूहू बीच 1890 में रतन जी टाटा ने इसी जूहू बीच के पास में एक छोटा सा फ्लैट जमीन लेकर फ्लैट बनाया था, वो सिलसिला स्टार्ट हुआ। और आज देख लो इस जूहू बीच पर हर जगह बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़े बड़े बॉलीवुड का स्टार रहते हैं। और इस जूहू बीच का टेम्परेचर, अगर आप वेदर के बारे में अगर बात करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक हमेशा रहता है। और इस बीच पर विजिट करने के लिए आप आ सकते हो अक्टूबर से मई तक, और जून से अगस्त के बीच में आप इस बीच पर नहीं आ सकते हो। कारण ये है कि उस समय रेनिंग सीजन होता है और यहाँ पर ऐसा बारिश होता है मुंबई में कि आप इस बीच पर आकर कुछ देख ही नहीं सकते, कुछ नहीं दिखेगा जो हमारे पीछे दिख रहा है। तो आप मुंबई में आने का कोई प्लान होगा जून से अक्टूबर के बीच में तो आप मत आना, यहाँ पर आप कुछ नहीं दो, सिर्फ बारिश ही बारिश मुंबई में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल मस्त लाइफ अमित कुमार गोवा, और मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैं बता दूँ मैं अपने चैनल पे कुछ इस तरह के वीडियो डालता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने चैनल पर ज़्यादा अच्छा से अच्छा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। अगर कोई सुझाव और कुछ हमारे बारे में अगर कुछ बताना चाहते हो बोलना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट में जाकर मुझे लिखकर बताओ यार, कोशिश करूँगा मैं उसका आपको जवाब दूँ। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो मस्त लाइफ अमित कुमार गोवा, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ बैंड्रा स्टैंड शाहरुख खान सलमान के घर।